खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की यीशु मसीह की अंजील बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उसके बाद में बाप से बयान, उस वक्त जो ईद में प्रस्तुत करके आए थे उनमें कई गैर कौम थे। वो कर्बूस के पास आए जो जलील के बैत सदा का था और उससे जा करके कहा कि ऐ आका हम यीशु से मिलना चाहते हैं। कर्बूस ने आकर इंद्रियास से कहा और फिर इंद्रियास तक कर्बूस ने यीशु को खबर दी। यीशु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तंकीद करे और जहां मैं हूं वहीं मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूं, क्या बाप मुझे उस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इस सबक से इस घड़ी तक पहुंचा हूं। ऐ बाप अपने नाम को जला दे। तब आसमान से आवाज आई कि मैंने जला दिया है और मैं फिर जला दूंगा। बस जो हजूम खड़ा सुन रहा था वो कहने लगा कि बादल गरजा, मगर और कहते थे कि कोई फरिश्ता उससे बोला है। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है, अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाए। इसी में अज़ीज़ों, रोज़ों का मौसम तैयारी तौबा और तब्दीली का मौसम है। ये मौसम हमें खुदा में एक होने की दावत देता है। इस मौसम को बहुत सारी बातों से खासतौर पर रोजा, दुआ, खैरात, इतराम के सारे के जरिए से कलीसिया की तैयारी करवाई जाती है ताकि वो पाशकई भेद को मना सके। और पाशकई भेद जो है वो मसीह खुदावंद का दुख उठाना, मसलूब होना और तीसरे रोज मौतों में से जी उठना है। और इसकी तैयारी के लिए हमारा सफर जो है वो जारी है और तलावतें हमारी मदद करती है कि हम पाशकई भेद को समझ सकें। और पाशकई भेद के आज दूसरे पहलू को आज हम गौरतलब है, वो है मसलूबियत, मसलूब होना,
मरना मसीह मसीह खुदावर ने आज के दिन में मुकद्दस की आज आखिरी आयत में कहा कि जब उसने कहा कि मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपनी अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को आसमान पर नहीं बल्कि उसने कहा कि जब मैं सलीब पर लटकाया जाऊंगा तो मैं सारे लोगों को अपनी तरफ खींचूंगा जिनके लिए मैंने जान दी है। उसके दुनिया में आने का मकसद भी यही है कि सब जो है जिंदगी पाए। खुदा के साथ जो रिश्ता बागे अदन में नाफरमानी और गुनाह की वजह से टूट गया था उसको हमवार करने के लिए मसीह खुदावंद जो है इस दुनिया में आया है उसको हमवार करने। तो उसका रिश्ता जो है खुदा के साथ और हमारा रिश्ता भी जो खुदा के साथ है जरा उस पर गौर करें। तो हम पंजाबी कभी कभी कहते ना नौ नौ मास दाली होता कहते हैं। तो खुदा ने जिससे आदम को अपनी शरीर पर बनाया अपना दम पुंगा अपनी रूह से अता की बस उससे एक ही तकाजा किया कि तू इस दरख्त का फल ना खाना लेकिन उसने नाम कुर्बानी और उसने कहा कि जो अगर तू इस दरख्त का फल खाएगा तो मर जाएगा ऐसी है ना तो मर जाएगा। तो क्या वो मरा हरगिज नहीं बल्कि वो खुदा से जुदा हो गया और आसान लफ्जों में खुदा से जुदाई ही मौत है। गुनाह करना मतलब मौत खुदा देना और नाफरमानी बेवफाई और खुदा से जो भी आप जो नाफरमानी करता है वो मर जाता है यानी कि खुदा से दूरी जो है ये मौत है। गुनाह में जिंदगी गुजारना मतलब मौत उम्र बल्कि वो खुदा से जुदा हो गया जो खुदा से हर रोज बात करता हर रोज मिलने के लिए आता जिसने सारा कुछ बनाकर उसके इख्तियार में ले लिया उस खुदा से आदम अपनी नाफरमानी की वजह से जुदा हो गया और खुदा ने इसे छोड़ा उसकी जुदाई से इसने वादा किया कि मैं तेरी नस्ल में जरूर आऊंगा और उसको कहने लगा तेरी नस्ल में जरूर आऊंगा तेरी निजात के लिए। फिर उसने इस सदियों तक इस चीज को चलाता रहा और अंबिया कराम को भेजता रहा उनके साथ ऐद करता रहा उसने क्या ऐद किया था ऐद अतीक में कि तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होगा जहां तक उसने ऐद बांधा और फिर भी लोग जो है वो नाफरमानी करते रहे बेवफाई करते रहे और गुनाह की हालत में चलते रहे और यहां तक कि वो मिस्रियों की गुलामी में भी चले जाते हैं और गुनाह करते रहते हैं खुदा फिर भी उन्हें लगातार प्यार करता रहता है क्योंकि उसने अपनी शरीर पर अपना रूप देकर जीती जान से बनाया और वो कैसे उसे भूल सकता है कैसे उसे छोड़ सकता है। खुदा मुस्तकिल तौर पर बनाए आलम से हमेशा तक वफादार रहा है अपने वादों में साबित कदम रहा है लेकिन इंसान बार बार अपनी गलतियों और खताओं से खुदा को नाराज करता रहा उससे दूर जाता रहा और हमेशा घाटे का सौदा करता रहा। घाटे का सौदा ना मौत घाटे का सौदा ना लेकिन खुदा फिर भी प्यार करता रहा। आखिर उसने अपना एक लौता बेटा भी भेज दिया बख्श दिया दुनिया से ऐसा प्यार रखा उसने अपना एक लौता बेटा बख्श देता कि जो भी उस पर ईमान लाए अलाप न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अलाप हमेशा जब गुनाह से किनारा करेंगे तो खुदा ने उस अहद को और मजबूत कर दिया। अज़मूर नवीस भी यही कहता है ना कि उसने हमें एक ऐ खुदा मुझने एक पाक दिल पैदा कर पाक दिल क्योंकि उसी खुदावन ने जब पहला पैगाम भी दिया था ना तो उसने जब पहला पैगाम यानी मुबारक आवाज या फिर पहाड़ी आवाज में उसने कहा
के पाप दिल खुदा को देखे, पाप दिल खुदा को देखे, यानी के खुदा को देखने, खुदा के साथ रहने के लिए पाक दिल का होना बहुत जरूरी है। पाक दिल, मैं तुझे एक नया अब दिल अदा करूंगा, गोश का दिल अदा करूंगा। यह प्यारे से क्या बात है कि मैं वो दिल तुम्हें अदा करूंगा जिसमें मेरी कसाई होगी, मेरे कवानी होंगे, मेरे अहकाम होंगे, मेरा प्यार होगा, जिसमें मेरी मौजूदगी होगी, किसी और चीज की मौजूदगी नहीं होगी। यानी पाक दिल का क्या होगा, वफादार दिल होगा, मोहब्बत से सच्चा दिल होगा जो खुदा से वफादारी करेगा। और खुदा से वफादारी के लिए बेटे ने भी सबूत दिया, क्या दिया उसने, दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी, उसने दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी। और ये वही कर सकता था, फरमा बरदारी वही कर सकता है जो पाक दिल है, जिसके दिल में खुदा का अहद है, जिसके दिल में खुदा की कज़ाए है, वही पाक दिल है जिसके खुदा मौजूद है। खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, तो हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने हाँ इंसान को बड़े प्यार से, बड़ी चाहत के साथ, और सबसे बढ़कर उसने अपनी शक्ल सूरत अता करके उसके लत्थों में जिंदगी का नाम फूंका है, तो वो कैसे उसे छोड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि नौ मास जुदा नहीं होता, कभी भी रिश्ते कमजोर नहीं होते जिन्हें मोहब्बत कायम हो, जिसकी बुनियाद मोहब्बत पर रखी हो वो कभी भी कमजोर नहीं होते। और यही खुदा की मोहब्बत है, उसने उनके साथ अहद बांधा, उनकी नाफरमानियों, उनकी गुनाहों के बावजूद भी वो अपने अंबिया काम को भी सराहा, और आखिर में उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो उनके साथ अहद बांध सके। बेटे ने आकर तालीमात का आगाज किया और बताया, और वो बार बार कहता रहा कि इंसान दुख उठाएगा, मसलूब होगा, और तीसरे रोज मौतों में से जी उठेगा। जो मौत इंसान ने अपनी बेवफाई और नाफरमानी से खरीदी थी, उस मौत को खत्म करने के लिए और लोगों को फरमाबरदारी और ताबेदारी का दर्श देने के लिए, पैगाम देने के लिए, नमूना देने के लिए मसीह खुदावंद जो है वो दुनिया में आया, और उसने साबित कर दिया ये कहकर कि उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी, ये कहकर साबित कर दिया कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने आया हूं, अपने बाप की मर्जी को पूरे करने आया हूं। वो काबिल खुदा और काबिल इंसान है, खुदा का बेटा है, और वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए दुख उठाता है, मसलूब होता है, और बाप उसे जलाल अता करता है जब वो मौत पर पता हासिल कर लेता है। जो मौत के खौफ से रास्ता थे, डरे हुए थे, यीशु ने सलीब पर जान देकर उस मौत पर पता हासिल कर ली। इसलिए मसीह मेरे अजीजो, मसीह खुदावन हमसे प्यार करता है, और मौत जो है ये हमारे लिए पना और खौफ कर नई पैगाम देती, बल्कि हमारे लिए जिंदगी के रास्ते को भी, जब हम मौत पर पता हासिल कर, हमारे यीशु ने मौत पर पता हासिल की है, तो जो उस पर ईमान रखता है वो किसी चीज से नहीं डरता। फरमाबरदारी ताबेदारी भी मोहब्बत से होती है। अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम उसके हुक्मों पर अमल करें, अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम उसकी ताबेदारी करते हैं, उसके फरमाबरदार बेटे और बेटियां बन जाती हैं। जब उससे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा जो है वो फरमाबरदारी, मोहब्बत क्या तकाजा करती है, फरमाबरदारी, ताबेदारी। और फरमाबरदारी ताबेदारी से मतलब कि बाप की मर्जी को पूरा करना। यीशु ने भी इसीलिए कहा था कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर
अमल करें, बेवकूफों पर अमल करें, परमानंदारी सीखने के लिए, ताबेदारी सीखने के लिए मसीह खुदा खुद हमें नमूना पेश करता है कि जो पौलुस रसूल आज बयान कर रहा है इब्रानियों के खत में कि उसने दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचा, पहुंचाकर अपने सब फरमा बरदारों के लिए रब्ती निजात का बाइस ठहरा। उसकी फरमा बरदारी किसी भी जगह मसीह खुदा की फरमा बरदारी से हमारे लिए नजात के दरवाजे खुले, उसकी फरमा बरदारी। तो हम उसके फरमा बरदार हैं तो हमारे लिए उसने निजात के दरवाजे खोले, वो हमारी निजात का वसीला बना है। हमें भी फरमा बरदारी सीखनी है। एक साल होते हुए वो भी बार बार खुदा से बात करता रहा, उसने कहा कि जो अपनी मुझसे ये हो सके फिर ये अब मुझे जलाल दिखा, उसने कहा मुझे जलाल दे, उसने कहा मैंने तुझे जलाल दिया है फिर दूंगा और फिर आसमान से आवाज आई ना कि मैं फिर यही बिजली कर दी, आसमान से आवाज आई कि मैंने तुम्हें जलाल दिया है और फिर दूंगा। और वो इसी बात की तरफ इशारा था कि ये पाशकई भेद की तकमील जो है वो मसीह गुलामों के बोधों में से जीवने से है। तो मसीह में जब हम उतार जब हम यीशु की फरमाबरदारी करेंगे तो हम भी जलाल पाएंगे, जैसे बाप ने बेटे को उसकी फरमाबरदारी की वजह से जलाल अता किया। इसलिए मसीह खुदावर फरमाते हैं कि जान देने का तोहफा दे रहा है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कोई भी ऐब वफादारी के बगैर पूरा नहीं होगा। ऐब मान लिया तो उसमें ताबेदारी, फरमाबरदारी और वफा चाहिए। खुदा ने ऐब बांधा बनी इसराइल से, फिर उसने हम नई इसराइल जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा पाया है हमसे ऐब बांधा है और वो हमसे क्या तकाजा करता है, वफादारी, फरमाबरदारी, ताबेदारी का तकाजा करता है। उसमें मेरे अजीजों इस मौत को खत्म करने के लिए हमारे पास बपतिस्मा का सरकरमेंट है। तो पापा कलीसिया से दस दे दिया कि जो बपतिस्मा हासिल करता है वो गुनाह में मरता है और मसीह में जी उठता है। वो पुरानी इंसानियत को उतार देता है, पुरानी इंसानियत जो गुनाह है, जो तारीकी है, जो अंधेरा है, जो खुदा से बेवफाई है, जो खुदा से दूरी है, उसको उतार कर खुदा में एक होना, उसके वफादार होना, उसके करीब आ जाना, यह नई इंसानियत को पहन, आसान लफ्जों में यीशु को पहन लेना दर हकीकत नई इंसानियत को पहन। इसलिए बपतिस्मा के सामने जब गुनाह में मरते हैं और नई जिंदगी में जी उठते हैं, उसी की तैयारी के ये आयाम है और इसको हम शबे बेदारी पे जाकर मनाएंगे, बपतिस्मों के वादों की तस्दीक करेंगे। वो ऐप जो हमने बपतिस्मा के सैक्रमेंट के जरिए से खुदा के साथ बांधा है उसकी तस्दीक करेंगे, उसको दोहराएंगे और वादा करेंगे कि अगर हमने पिछले अयाम में कोई गलती खता या लापरवाही की है अपने बपतिस्मा के वादों में तो आप हम तौबा करते हैं और हम वफादारी के साथ चलेंगे ताकि जिंदगी का ताज हासिल कर सके। इसलिए मसीह में मेरे अज़ीज़ों बपतिस्मा का सैक्रमेंट हमें यह याद दिलाता है कि हम खुदा में जी उठेंगे। हमें उसके साथ ताबेदारी के साथ चलना है, वफादारी के साथ चलना है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। एक और सैक्रमेंट खुदा ने हमें अता किया, वह इकराम का सैक्रमेंट। उस जब हम उसे हासिल करते हैं तो हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और मसीह में असरे नौ पैदा होते हैं। मौत जो गुनाह है उस गुनाह से, उस मौत से बचने के लिए बपतिस्मा का सैक्रमेंट है, इकराम का सैक्रमेंट है और आखिरी लम्हे जब कोई बहुत सख्त बीमार हो तो मस्सा का सैक्रमेंट है।
मस्सा के साथ करने से हमारे गुनाह माफ होंगे, लेकिन इकरार का साथ करके हमें बार बार हम हासिल कर सकते हैं अपने सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा के लिए। तब जाकर हमारा दिल भी पाक होगा, जिसका दिल पाक है उसकी रूह भी पाक होगी, और जिसकी रूह और दिल पाक है तो उसका वजूद, उसका जिस्म भी जो है वो पाक होगा, और जो पाक है वही खुदा को देखेंगे। जब आदम पाक था, जब फरमाबरदार था, तो हर रोज खुदा उससे मुलाकात करता और बातें करता। अगर हम भी हर रोज मुलाकात करना चाहते हैं पाक कलाम में, पाक यूक्रिस्ट में, तो हमें पाक होना होगा, और पाक होने के लिए बपतिस्मा की वादों की तजदीद करनी होगी, और इकरार का सागर हासिल करना होगा, और सच्चे दिल से तौबा करनी होगी, ताकि हम खुदा को रूबरू देख सके, उससे हम कलाम हो सके, उसके साथ रह सके, तारीकी से निकल कर उजाले में आए, नूर में आए, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो मौत पर पदा हासिल करके पाश के भेद की तकमील करता है, और हमें पाश का ही लोग बनने की दावत देता है, और पाश के लोग बनने के लिए दुख उठाना मसलूब होने का जो हस है पहलू को हमें अपनी जिंदगियों में उजागर करना होगा, क्योंकि जो मौत का तजर्बा नहीं करता वो जिंदगी की कदर और कीमत नहीं जान सकता। जो खुद इनकार नहीं करता वो कभी भी उसकी मोहब्बत से सरशार नहीं हो सकता। जो अपनी शरीर में उठाता वो कभी भी यस्सु का पैरोकार नहीं हो सकता। जो उसके पीछे पीछे सच्चे दिल से नहीं चलता वो कभी भी उसका दीदार नहीं कर सकता, जिसने अपनी मोहब्बत पाश का एक भेद में समोकर पेश किया है। अगर हम उसका दीदार करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम खुद ही इनकारी करें, अपनी स्लीप उठाएं और उसके पीछे हो गए, जिसने मौत पर फतह हासिल की है, जिसने ये कहा है कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी भी हलाक ना होगा। जान देने का मौका आ रहा है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो हमें अपने पास बुला रहा है और ये याद करवा रहा है कि मैंने तुम्हारी खातर सलीब पर जान दी है, मैंने तुम्हारी खातर सलीब पर जान दी है। तो हम सब जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा हासिल किया है, हम पर ये वाजिब है कि हम भी सच्चे दिल से उससे प्यार करें, उसके पीछे चलें और उससे वफादारी करें। उसकी वफादारी से हम जिंदगी पाते हैं, कसरत से पाते हैं, और आज यही दर्श दिया गया कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो कौसा फल नहीं। जब तक हम मौत में मर नहीं जाते, जब तक हम अपने गुनाहों से किनारा नहीं कर लेते, हम बहुत सा फल नहीं ला सकते। हम अंजीर के मुताबिक फल ला ही नहीं सकते, हम वो फल ला ही नहीं सकते जो बाकी रहेगा, जो हमेशा कायम रहेगा, जिसका काजा यीशु ने किया, जिसका ऐर यीशु ने किया, वो हमें जलाल देना चाहता है। तो उसके लिए पहले गुनाह में मरना होगा और यीशु के जीवन के लिए हमें इकरार का साचा विकास करना होगा। तो बात है ये गेहूं का दाना छोटा सा गंदम दाना होगा, ये लोग कनक कहते हैं, तो ये छोटा सा एक छोटा सा दाना जब जमीन में दबाया जाता है तो वहां बहुत सारी मुश्किल का सामना करके फिर वो उगता है और एक पौधा बनके सिपटा, जिनको कहते हैं ना सिपटा, एक सिपटा तोड़ो तो कितने दाने मिल चुके कदम। तो अगर हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा नहीं करते, पाक दिल नहीं होते, तो हम बहुत सा फल नहीं ला सकते। और वो फल क्या है? अंजी की कदरें, प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलाम की, इत्तेहाद, मुआफी, एक दूसरे को कबूल करना,
दूसरों की मदद करना, भूखे के लिए रोटी तोड़ना, ये सारी कदरें तब आएंगी जब हम अपने आप में से गुनाह को खत्म कर दें और पाप भी हो जाए और यीशु के मजाज को अपना लेंगे जिससे दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी और हम सब भी बपतिस्मा के सागरण के जरिए से खुदा के बेटे और बेटियां बन गए और हमसे भी ये तकाजा किया जाता है कि हम भी फरमा बरदारी सीखें, ताबेदारी सीखें, ताबेदारी से ही हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। फिर हम भी सुन सकेंगे कि ये मेरे प्यारे बच्चे जिनसे मैं खुश हूं। फिर हम भी सुन सकेंगे जैसे आज सबने सुना, हजूर ने भी सुना, यीशु ने भी सुना कि मैंने तुम्हें जलाल दिया है और फिर दूंगा और वो जलाल क्या है, मौत पर फतह और अपनी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी जिसका यीशु ने भी वादा किया कि जान देने तक बहुत आ रहा है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज लेने के लिए हमें फरमा बरदारी करने की जरूरत है, हलीम बनने की जरूरत है, गुनाह को अपने वजूद से खत्म करने की जरूरत है। आइए इन बातों पर सजीदगी के साथ गौर कोश करें और अपने आप को शबे बेदारी के लिए, ईस्टर के लिए, पाश्चाई भेद की तकमील को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा के नाम को जला दें।